थैंक यू सो मच, थैंक यू डॉक्टर रंजीत साहब। मैं वही कह रहा था कि ऐसी जगह पे हम लोगों का आना थोड़ा अजीब लगता है। बेसिकली क्राइम रिपोर्टर हैं आप सारे, फॉरेंसिक के एक्सपर्ट, धुआंधार लोग, पढ़े लिखे। हम लोगों का बेसिक जो है क्राइम रिपोर्टिंग, वो थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन फॉरेंसिक ने क्राइम रिपोर्टिंग को बदल कर रख दिया है, ये मैं कह सकता हूँ अपने करीब 22-24 साल के क्राइम रिपोर्टिंग के करियर में। पहले हम लोग सिर्फ पुलिस वालों के पीछे भागते थे, वही हमारे सोर्स होते थे। लेकिन लास्ट 8-10 सालों में ऐसा हुआ कि अब जो फॉरेंसिक के एक्सपर्ट्स हैं वो हमारे बहुत बड़े सोर्स बन गए, और फॉरेंसिक ने क्राइम रिपोर्टिंग, इवन क्राइम इन्वेस्टिगेशन, क्राइम रिपोर्टर के साथ साथ पुलिस का काम भी बहुत आसान कर दिया है। जो नई नई टेक्नोलॉजी आई, नई नई चीजें आई हैं, चाहे वो CCTV कैमरा हो या फिर आपके फिंगरप्रिंट्स हो, DNA हो, रिकंस्ट्रक्शन हो, इन चीजों ने ना मालूम कितने केसेस को सॉल्व कर दिया है। लेकिन मैं ये सारी चीजें फॉरेंसिक के बारे में, तो आप तमाम एक्सपर्ट्स लोग हैं, जानते हैं। हाँ, कैसे मीडिया में फॉरेंसिक ने क्रांति लाई है, इसके मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा। लास्ट सुशांत सिंह राजपूत केस सभी को पता है, पूरे देश में करीब 40-50 दिन नॉन स्टॉप कवरेज चला, उसमें मैं भी शामिल था। तो अगर ये 2020 से पहले सुशांत सिंह राजपूत केस होता या 10 साल पहले होता तो क्या होता, मैं ये कई बार सोचता हूँ। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत ने खासतौर पर फॉरेंसिक को लेकर बहुत सारी चीजें बदली। हालांकि इससे पहले मैं आरुषि की भी बात करूंगा जब वो चेंज हुआ था, लेकिन पहले सुशांत से। सुशांत सिंह राजपूत मर्डर था या सुसाइड, बहस यही थी टोटल। अब अलग अलग थ्योरी थी, लेकिन सवाल ये था कि एक सुसाइड और मर्डर में क्या फर्क होता है। तो जो एक्सपर्ट्स हैं वो तो जानते हैं, लेकिन आम लोग या मीडिया के, हमारे जैसे क्राइम रिपोर्टर, बहुत बारीकी से इन चीजों के बारे में जानकारी नहीं थी कि क्या क्या बेसिक फर्क होता है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत केस ने ये हमें समझाया और सिखाया भी कि एक सुसाइड कैसे हो सकता है। जैसे आज भी बहुत सारे लोग ये बहस करते हैं कि सुसाइड करने के लिए जरूरी है कि आपके जहां पे आप लटक रहे हो वहां पे पैर के नीचे गैप होना चाहिए, इतनी हाइट होनी चाहिए। लेकिन बाद में पता चला कि लोग लेट कर बैठ कर भी सुसाइड कर सकते हैं, और सुशांत में लेके यही बहस हो रही थी। बहुत सारे हम लोगों ने उस वक्त फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के साथ भी बातचीत की, डॉक्टर हर्ष शर्मा एक जाने माने, उनके साथ में बड़ा नजदीकी रिश्ता भी है मेरा। तो उस वक्त पता चला कि सुसाइड के क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं। जैसे अगर गांठ गले में है फंदे का, तो अगर वो गांठ लेफ्ट में है तो राइट साइड की आंखें खुली होनी चाहिए। सुसाइड करने वाला यूरिन टूल या फिर सीमन पास कर सकता है। ऐसी बहुत सारी और चीजें कि क्या क्या कैसे हो सकता है। तो सुशांत सिंह राजपूत ने पहले तो फॉरेंसिक की तरफ ध्यान दिलाया, और दूसरा क्राइम रिपोर्टर के लिए जरूरी हो गया कि वो फॉरेंसिक को भी समझे और जाने, सिर्फ पुलिस के पीछे ना पड़े। यही वजह है कि सुशांत सिंह राजपूत केस में जब फॉरेंसिक की CBI ने जब ली, और एम्स के जो डॉक्टर सुधीर, उनके निगरानी में सारी चीजें हुई, तो हम सब उन्हीं के पीछे रहते थे कि वो बताएं, क्योंकि उनकी रिपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट थी कि ये सुसाइड है या मर्डर है। तो कई चीजें लीक भी हुई। तो सुशांत सिंह राजपूत एक केस। दूसरा मैं जिक्र करूंगा आरुषि केस। अब एहसास होता है कि फॉरेंसिक एविडेंस कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी क्राइम सीन में, और टीवी न्यूज चैनल की मजबूरी है कि क्राइम सीन बड़ा इंपॉर्टेंट मायने रखता है, क्योंकि वहां पे आपको विजुअल दिखाना होता है। अगर कोई क्राइम होता है और हम लेट पहुंचे, क्राइम सीन साफ हो गया, धुल गया, तो फिर आपके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, आपको रिक्रिएशन करना पड़ेगा, वो बड़ा थोड़ा ड्रामा टाइप लगता है। तो रियल क्राइम सीन और ये सारी चीजें होनी चाहिए, और इसको लेके बड़ा कंपटीशन होता है तमाम रिपोर्टर्स में, और उसकी वजह से बहुत सारी गलतियां भी कर बैठते हैं हम लोग। क्योंकि मुझे 2007-8 आरुषि केस याद है। जब आरुषि केस हुआ तो पहले दिन तो यही था कि एक सर्वे ने आरुषि को मार दिया और वो भाग गया। नोएडा की पुलिस नेपाल तक पहुंच गई उसके पीछे पीछे। 2 दिन तक पता ही नहीं था कि सर्वेंट की लाश आरुषि के ही घर में छत पे पड़ी है। इस दौरान में जितने भी रिपोर्टर थे, इंक्लूडिंग मैं, हम लोग उस घर में गए, और आप यकीन मानिए कि जो जो एविडेंस हो सकता था वो शायद हम लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया, बर्बाद कर दिया। क्योंकि हमें जो चीज हाथ लगा हम उसी में अपने अपने खुद पुलिस वाला मान कर उसमें सबूत ढूंढ रहे थे, चाहे वो वहां पे रखा हुआ फोन बिल हो या कोई और चीज है। मतलब हर चीजों को टच किया जो कि एक क्राइम सीन में नहीं करना चाहिए। तब शायद इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी, और ये हम सभी ने यह गलती की। इवन याद होगा एक बहुत ही फेमस पिक्चर है आरुषि केस में, आप देखें छत पे एक पंजे का निशान है जिसमें खून लगा हुआ है। उस पंजे के निशान पे आप यकीन मानिए कि शायद ही कोई ऐसा क्राइम रिपोर्टर हो जिसने अपने हाथ ना रखे हो। और
इत्तफाक की बात यह है कि जो जो हाथ लगता था वो पंजा उसी से मिल जाता था। बाद में पता चला कि अगर शायद एक से ज्यादा इंसान एक ही पंजे पे हाथ रखे तो वो मैच कर जाता है। लेकिन वहां पे भी इस एविडेंस की वजह से मैं ये बता रहा हूँ कि ये कैसे डिस्ट्रॉय किया गया, और उस वक्त जानकारी नहीं थी। और मुझे लगता है अगर नोएडा पुलिस ने शुरू के 24-48 घंटे में सारे एविडेंस कलेक्ट कर लिए होते ईमानदारी से तो शायद आरुषि केस कब का सॉल्व हो जाता, सुलझ भी जाता। लेकिन नोएडा पुलिस को भी उस वक्त इतनी केस की अहमियत शायद नहीं मालूम थी, उनको लग रहा था ओपन एंड शट केस है, एक स्टूडेंट ने एक स्टूडेंट का कत्ल किया है। लेकिन बाद में जब फिर हेमराज की ही लाश मिली जो नौकर था, तो फिर ये कहानी पलटी और उसके बाद तो पूरे देश को पता है। और इस कहानी की वजह ये थी कि हर शख्स यही जानना चाहता था कि क्या एक पेरेंट्स या माँ बाप अपने बच्चे को मार सकते हैं, और शायद इसी वजह से आरुषि केस में लोगों की इतनी दिलचस्पी थी। लेकिन फॉरेंसिक के और एविडेंस के लिहाज से देखें तो ये केस एक नज़ीर, एक एग्जाम्पल है कि कैसे एविडेंस डिस्ट्रॉय किया जाता है। और इससे ये भी पता चलता है कि हमारी देश की पुलिस भी बहुत लेट से जागी फॉरेंसिक एविडेंस को लेकर। जैसे हमारे यहाँ जो रेप के कन्विक्शन रेट है वो सिर्फ 25% है, मतलब हर 10 में से 6 रेपिस्ट छूट जाता है, हर 100 में से 75 रेपिस्ट छूट जाता है, सिर्फ 25 को सजा होती है। हालांकि अगर मैं दुनिया के सारे अब रिकॉर्ड देखूं और जो फॉरेंसिक में क्रांति आई है, अगर आपने सिर्फ डीएनए सैंपल ईमानदारी से कलेक्ट कर लिए और उसको सही ढंग से कोर्ट में पेश कर दिया तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी रेप का जो रेपिस्ट है वो शायद बरी हो जाए इतनी आसानी से। और कन्विक्शन रेट मुझे लगता है 25 से सीधे 90-95% हो सकता है अगर सिर्फ आप डीएनए मैच करा दें एक विक्टिम और एक अक्यूज्ड रेपिस्ट का, और ये बड़ा आसान है। लेकिन एक दूसरा पहलू ये भी है कि आज हमारे देश में, आज भी चूंकि मैं पूरे देश में ट्रेवल करता रहता हूँ, दूर दराज के इलाकों में छोटे छोटे स्टेट्स में, वहां जब रेप का केस होता है तो वो जो सैंपल है झाड़ू के तिनके में उठाकर लैब भेजते हैं। आज के भी दौर में ये भी हमें 21वीं सदी में चल रहा है। तो एक तो पुलिसिंग में भी बहुत फॉरेंसिक को लेकर और ये जो सारी चीजें हैं अभी शायद इतनी अवेयरनेस नहीं है। मेट्रोपॉलिटन सिटी में है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बैंगलोर, इन सब जगहों पे बिल्कुल है। लेकिन सिर्फ यही इंडिया नहीं है, आप अगर बाकी स्टेट्स की बात करें, दूर दराज इंटीरियर रिमोट एरिया की बात करें, तो ज्यादातर पुलिस वालों को आप फॉरेंसिक छोड़िए, अगर साइबर की बात होती है तो कंप्यूटर भी ऑपरेट करना नहीं आता, बल्कि कई जगह तो कंप्यूटर भी नहीं है, इवन कंप्यूटर है तो लाइट नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से शायद हमारे देश में कन्विक्शन रेट भी कम है, और जो फॉरेंसिक इतना बड़ा एक तरह से क्रांति सामने आई उसका पूरा फायदा नहीं उठा रहे। वरना अभी लास्ट में ही मैं लास्ट वीक की कहानी थी ऑस्ट्रेलिया की, एक 70 साल पहले एक शख्स की लाश और उसकी पहचान नहीं हो पाई, बस एक पेपर का टुकड़ा मिला था जिसपे लिखा हुआ था तमाम शुद्ध। ये एक शब्द था जो एक पर्शियन उमर खयाम की शायद किताब का वो था। अब उससे पता चला कि वो जासूस है क्या है, लेकिन 70 साल तक पता नहीं चला। कुछ फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स लेकिन उसके पीछे लगे रहे, और शायद मेलबर्न या एडिलेड यूनिवर्सिटी के जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अभी लास्ट मंथ इस केस को सॉल्व करने का दावा किया, और सिर्फ इसलिए कि उन्होंने डीएनए के जरिए उस शख्स की पूरी फैमिली ट्री को खड़ा किया और उसके बाद पता चला कि ये शख्स कौन था। तो अगर 70 साल पुराने गड़े मुर्दे को फॉरेंसिक उखाड़ सकता है और सामने ला सकता है तो अभी जो सारे क्राइम हो रहे हैं उसको भी बेहतर तरीके से सुलझाया जा सकता है। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फॉरेंसिक ने क्राइम इन्वेस्टिगेशन क्राइम में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। हम जैसे लोगों को ही अब कम से कम इतना अंदाजा हो जाता है कि ये सुसाइड है या मर्डर है, या किसी को आपने मार के ऊंचाई छत से फेंका है या वो जिंदा फेंका है, क्योंकि ब्लड सूखा हुआ है, ब्लड का कलर बदल गया है। एक बेहतरीन केस लखनऊ का था जिसमें एक लेडी की मौत हो गई थी और पुलिस लोकल पुलिस टीम पहुंचती है तो हस्बैंड से उसने पूछा, उसने बताया कि ये लटकी हुई थी पंखे से। तो उसने कहा आपने उतारा क्यों? अच्छा, ये एक बड़ा एक अजीब चीज होती है कि कभी जो इस तरह से सुसाइड का केस आता है अगर कोई फंदे से लटक रहा है तो लाश को उतारना नहीं है, लेकिन आप उस फैमिली या रिलेटिव से पूछें जो बेहद करीबी है, वो इस उम्मीद में लाश को पकड़ कर या जमीन पर उतार लेता है कि शायद उसकी सांसें चल रही है। वो बड़ा एक नेचुरल रिएक्शन होता है। तो हस्बैंड ने भी यही बताया कि मैंने देखा तो मैं घबरा गया, मैंने लाश उतार ली, पुलिस वाले आए, उन्होंने कहा कि सुसाइड है। थोड़ी देर के बाद फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया, फॉरेंसिक के जो हेड थे वो आए वहां पर और उन्होंने सिर्फ 2 मिनट लिया और 2 मिनट लेने के बाद उन्होंने कहा कि ये सुसाइड नहीं, मर्डर है। जो लोकल पुलिस का एसएचओ था वो गुस्सा भी हुआ कि आपने कुछ चेक भी नहीं किया, देखा भी नहीं, 2 मिनट में आप कैसे जजमेंट पास कर रहे हैं कि ये सुसाइड नहीं, मर्डर है। तब उन्होंने बताया कि बड़ी छोटी सी चीज थी कि इसकी आंखों
ये मरने से पहले रोई थी, और इसकी आप आंखों के आंसू को देखें, ये इसकी जो आंसू की धार है, अगर ये हैंगिंग होती, ये सुसाइड कर रही होती, तो वो आंसू इसके ऊपर से नीचे की तरफ आते, लेकिन ये आंसू जो है ये राइट से इसके लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। और वो तभी ऐसा होता है जब आदमी लेटा हुआ और उसी आंसू के निशान थे उसके चेहरे पर, उसको देख करके सिर्फ आंसू की धार नीचे की तरफ नहीं थी बल्कि किनारे से जा रही थी, उन्होंने ये बताया कि ये सुसाइड नहीं, मर्डर है। और बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि हाँ, हस्बैंड ने ही मारा था और गला घोटने के बाद पंखे से टांग दिया था ताकि उसको सुसाइड दिखा सके। तो ये छोटी छोटी चीजें न सिर्फ क्राइम इन्वेस्टिगेशन बल्कि क्राइम जर्नलिस्ट और क्राइम के केसेस पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, और एक तरह से पूरी क्राइम रिपोर्टिंग की जो अब दुनिया है वही बदल गई है। अब क्राइम रिपोर्टिंग, मैंने जैसा शुरू में कहा कि हम लोग सिर्फ पुलिस पर डिपेंडेंट नहीं है बल्कि जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, अलग अलग एविडेंस हैं, इवन जैसे बहुत छोटी सी चीज़ है सीसीटीवी फुटेज, कहीं भी कोई इंसिडेंट होता है पुलिस कहती है हम जांच कर रहे हैं, लेकिन मैंने बहुत सारे देखे हैं अपने रिपोर्टर ही जो इस चीज में लग जाते हैं खोज में कि जहां पे इंसिडेंट हुआ वहां आसपास में कहां कहां सीसीटीवी फुटेज है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी के घर से या किसी दुकान मॉल कहीं पे भी मिल जाता है, उससे एक क्लू मिल जाता है और फिर उस क्लू के जरिए आप उस केस तक पहुंच सकते हैं। बल्कि कई बार पुलिस लापरवाही करे तो आप अपने रिपोर्ट से भी पुलिस को वो गाइड कर सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुमकिन हुई है सिर्फ फॉरेंसिक की वजह से। बट मुझे लगता है कि जितनी तेज़ी से फॉरेंसिक साइंस को और आगे ले जाने की ज़रूरत है, कम से कम जिन लोगों को इसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, जो एक्सपर्ट्स हैं आप जैसे लोग फॉरेंसिक के बहुत सारे जो नई नई चीज़ें ला रहे हैं वो अपनी जगह बिल्कुल बहुत ही अच्छी काबिल तारीफ है, लेकिन जिन्हें इसका यूज़ करना है और पुलिस जो हमारी एजेंसियाँ हैं अलग अलग, मुझे लगता है जितने बड़े पैमाने पर होना चाहिए अवेयरनेस और जो बाकी इनको फैसिलिटी मिलनी चाहिए, अभी भी वो है नहीं। सिर्फ बड़े बड़े शहरों तक ये सीमित है, छोटी छोटी जगहों पर आज भी इसकी जानकारी नहीं है, आज भी उन्हें शायद ट्रेन नहीं किया गया है, और जो हमारी पुलिस सिस्टम है उसमें इन चीज़ों के लिए शायद वो लोग इसको इतना सीरियस अभी भी ले नहीं रहे। कुछ अफसर हैं जिनको मैं जानता हूँ जिनका पूरा धुन ही इसी बात पर है कि अगर हमने हर एक को फॉरेंसिक और साइबर के बारे में अच्छे से ट्रेन किया तो फिर क्रिमिनल के लिए बचना मुश्किल है, और क्राइम अगर हम ना भी रोक पाए तो उस क्राइम को सॉल्व करना इजी है। लेकिन बात वही है कि उसके लिए जहां तक वो पहुंच सकते हैं जितनी ट्रेनिंग की जरूरत है वो नहीं है। तो फॉरेंसिक मुझे लगता है कि देश में जो बाकी चीजें आ रही हैं, जो टेक्नोलॉजी है, जिस तरीके से यूरोप, अमेरिका, बाकी कंट्री इसको एडॉप्ट कर रहे हैं, हमारे यहाँ बड़े पैमाने पर जो होना चाहिए वो नहीं है। जैसे एग्जाम्पल ये कि बहुत हर गवर्नमेंट बात करती है सीसीटीवी कैमरे की, हर जगह होगा इंक्लूडिंग दिल्ली, देश की राजधानी, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जब क्राइम होता पता चलता है वहाँ कैमरा ही नहीं था। अब सीसीटीवी कैमरा जैसी बेसिक चीज है जिसके लिए किसी ट्रेनिंग देने की भी जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक उपकरण है जिसको आपको लगाना है, अगर वही नहीं है तो फिर सोचने वाली बात है। और इतने सारे बजट, इतनी सारी चीजें होती हैं, लेकिन अगर सीसीटीवी से या कैमरा लगाने से बहुत सारे आप क्राइम को रोक सकते हैं, क्योंकि अब क्राइम करने का तरीका बदल भी गया है, तो उस हिसाब से ये चीजें हैं। मुझे लगता है कि इसको और फैलाने की जरूरत, और इसमें आप जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये लोग बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। हालांकि बहुत अलग अलग स्टेट में मैं देखता हूँ कि पुलिस और ये तमाम लोग इस तरह की ट्रेनिंग और कैंप लगाते हैं जिसमें ट्रेनिंग भी देते हैं, पुलिस वालों को सिखाते भी हैं, लेकिन बात वही है कि बहुत ही छोटी तादाद में हो रहा है। इसको जितने बड़े पैमाने पर हो वो इसका फायदा ज्यादा होगा। और बल्कि हम लोग जैसे अलग अलग मीडिया हाउस के बारे में भी बताऊँ, सिर्फ अपने इंडिया टुडे ग्रुप का ही नहीं, अब ये आया है कि अपने अपने क्राइम रिपोर्टर को ट्रेनिंग दिलवाएं अच्छे अच्छे एक्सपर्ट से, ताकि क्राइम सीन को बेहतर तरीके से समझ सके कि एक मर्डर, एक सुसाइड या बाकी फिंगरप्रिंट्स, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ताकि आपकी जो रिपोर्ट उसमें थोड़ा डिफरेंट चीज़ें सामने आ सके। तो हम लोग भी ये कोशिश करते हैं कि ट्रेनिंग हो, ट्रेनिंग दिलाई जा सके और इसमें ज़्यादा इसको बेहतर तरीके से समझ सकें, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट जोन है, डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन इसका फ़ायदा बहुत होता है। तो कुल मिलाकर यही कहूँगा कि फॉरेंसिक ने क्राइम रिपोर्टिंग, इन्वेस्टिगेशन दोनों में क्रांति लाई, और मैं उम्मीद यही करता हूँ कि देश में अगर इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होगा तो क्राइम का तो पता नहीं, क्योंकि क्राइम रोकना बड़ा मुश्किल काम होता है, तो रुकेगा कि नहीं ये आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ कम से कम क्रिमिनल के मन में ये खौफ हो जाएगा कि क्राइम करके अब वो बच नहीं सकता है, जो 20-20, 30-30 साल तक पुलिस को बेवकूफ़ बनाते हैं, या जैसे रेप निर्भया के बाद जिस तरीके की बातें हुई देश में
विमेन सेफ्टी को लेकर, रेपिस्ट को कड़ी से कड़ी सजा, फांसी भी की भी अब हो गई है, तो उसमें लेकिन कन्विक्शन रेट नहीं है। तो अगर फॉरेंसिक का उसमें रोल ज्यादा होता है, जैसा मैंने बताया कि सिर्फ, और आप ही जैसे लोगों ने ही मुझे बताया कि बड़ा आसान है, अगर सिर्फ डीएनए सैंपल मैच कर जाए तो फिर अदालत में बचने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि गवाह तोड़े जा सकते हैं, सबूत बर्बाद किए जा सकते हैं, लेकिन फॉरेंसिक एविडेंस को आप कैसे नकार सकते हैं। तो अगर, और डीएनए को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, तो अगर डीएनए सिर्फ मिल गया तो सोचिए कि एक छोटी सी चीज, डीएनए एक अक्यूज्ड या विक्टिम दोनों का मैच कर गया, तो फिर कोई भी अदालत हो देश की, उसको मैक्सिमम पनिशमेंट मिलेगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि एक फॉरेंसिक ने हम सबकी जिंदगी बदली है, लेकिन इसे बहुत दूर तक जाना, और जो जिस तेजी से हमारे यहाँ हो रहा है, मुझे लगता है कि वो अभी बहुत सुस्त है, और हिंदुस्तान सिर्फ 8-10 बड़े शहर नहीं है बल्कि दूर दराज के पूरे इलाके भी, तो वहां तक भी इसका फायदा पहुंचना चाहिए। थैंक यू सर।